बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जाकिर यूट्यूबर में। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जियो द्वारा लॉन्च की गई हैथवे की एक नई सेट ऑफ बॉक्स। तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरीके से इस बॉक्स को बिल्ड किया गया है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं और कौन कौन से एसेसरीज जियो द्वारा कस्टमर्स को दी जाती है, इसके बॉक्स की प्राइस क्या है, आप इसे किस तरीके से बाय कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग के साथ आपको बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं जियो द्वारा लॉन्च की हुई हैथवे की एक नई सेट ऑफ बॉक्स। तो दोस्तों आइए हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जियो हैथवे के सेट ऑफ बॉक्स की, जो कि इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। और अब इसके अंदर जो जो एसेसरीज यहां पर लिखी हुई है ये सब सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बारकोड इस पर लिखा हुआ है, जो कि सेट ऑफ बॉक्स का नंबर VC नंबर है, जो कि N सीरीज से स्टार्ट होता है। और ये सब सारी डिटेल्स है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है और किस तरीके से कहाँ से आया हुआ है, ये सब सारी डिटेल्स हैं। इसके साथ जो चीज़ें दी हुई है, एक डिवाइस है, एक एडेप्टर दिया हुआ है, एक RC केबल है, रिमोट कंट्रोल है, साथ में दो बैटरी भी दी हुई है। अब ये सब सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है क्या वाकई में हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो आइए जल्दी से अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। ये है एडेप्टर, इसे हम साइड में रखते हैं। और भी सब सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये है, क्या है ये है HDMI केबल और RC केबल लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने दिया है HDMI केबल। और साथ में ये डिवाइस है जो कि एक सेट ऑफ बॉक्स है, और इसे हम साइड में रखते हैं, इसके बारे में हम आगे हम बात करेंगे। और साथ में अब मुझे ऐसा लगता है रिमोट और बैटरी होना चाहिए। तो जी हाँ, रिमोट भी है और साथ में बैटरी भी है। तो जैसे कि एक बार फिर से वापस रीचेक कर लेते हैं कौन कौन सी सारी चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले है ये डिवाइस जो कि सेट ऑफ बॉक्स है, हैथवे जियो सेट ऑफ बॉक्स है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एडेप्टर जो कि 12 वोल्ट का एडेप्टर है, और साथ में है HDMI केबल, यहाँ पर RC केबल लिखा हुआ है जो कि लेकिन हमें प्राप्त हुआ है HDMI केबल। फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे HDMI केबल इसके लिए है कि अभी आजकल जो सेट ऑफ बॉक्स हैं वो HD में ही हमें मिल रहे हैं और नॉर्मल सेट ऑफ बॉक्स अब हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो आइए अब हम इसके देख लेते हैं सेट ऑफ बॉक्स किस तरीके से, इसकी बनावट कैसी है, इसके फीचर्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ अटैच की हुई है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जियो का ये एक बेहतरीन सेट ऑफ बॉक्स आप देख सकते हैं, सामने इन्होंने अपना लेबल लगाया हुआ है पावर्ड बाय जियो। हैथवे का कोई लेबल नहीं है क्योंकि आप जो कि कंपनी है वो इनके हाथ में है। और आप देख सकते हैं इसके साइड में काफ़ी अच्छे अच्छे विंडोज़ दिए हुए हैं जो कि इसकी गर्माहट को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक RF के लिए सामने दिया हुआ है और सब सारी चीज़ें दी हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक USB यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह अटैच कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेट ऑफ बॉक्स है, आप रिकॉर्डिंग करके अपना फेवरेट प्रोग्राम या मूवी देख सकते हैं। यहाँ पर ये USB दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो सेट ऑफ बॉक्स बनाया गया है वो कुछ एग नुमा है, यानी एक अंडे के टाइप बनाया हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक सेट ऑफ बॉक्स यानी 7 स्टार का एक सेट ऑफ बॉक्स मैंने अनबॉक्सिंग किया था, जो कि सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरीके से था। और ऊपर के भाग में भी छोटे छोटे विंडोज़ दिए हुए हैं ताकि वो उसकी गर्माहट को ऊपर से भी निकाल सकते हैं। बैक साइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं HDMI केबल, 12 वोल्ट का एडेप्टर और साथ में RF वायर और AV भी आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर इसके भी पार्ट्स दिए हुए हैं। फिर उसके अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप देखेंगे इसके बारकोड लगे हुए हैं और पूरी डिटेल दी हुई है, इसके VC नंबर दिए हुए हैं और छोटे छोटे विंडोज़ दिए हुए हैं जो कि नीचे से इसकी गर्माहट को बाहर निकालते हैं। दो चीज़ें अटैच करने के लिए आप दीवार पे दो चीज़ें यानी अपने दीवार पे अटैच कर सकते हैं सेटअप बॉक्स को, अगर दो खिले लगा कर चाहें तो अटैच कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेटअप बॉक्स को अटैच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सेटअप बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 बटन ऊपर दिए हुए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए और साथ में ही एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सेट ऑफ बॉक्स कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी के साथ मुझे लग रहा है। तो आप इसे अपने केबल ऑपरेटर से बाय कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस यहाँ पर 1400 मैक्सिमम प्राइस 1400 रुपीज़ दिया हुआ है, और हर केबल ऑपरेटर अपने हिसाब से यानी मैक्सिमम आप 1400
के ऊपर मत दीजिए, और हर केबल ऑपरेटर अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, कहीं पर 1400 होगा, कहीं 1300 होगा, कहीं 1200 होगा, 1200 होगा, कहीं पर 1000 रुपये में भी सेट ऑफ बॉक्स आपको ये सेट ऑफ बॉक्स HD यानी फुल HD सेट ऑफ बॉक्स आपको ये मिल जाता है। जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है तो बिल्कुल सेट ऑफ बॉक्स भी चेंज हो रहे हैं, और अब नॉर्मल सेट ऑफ बॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए HDMI केबल इस बॉक्स के साथ दिया हुआ है, और इसे आप अटैच कर सकते हैं HDMI केबल के साथ, और अपना मन पसंदीदा चैनल आप देख सकते हैं वो भी फुल्ली HD में। तो हाई डेफिनेशन में आप इसे देख सकते हैं, फुल HD सेट ऑफ बॉक्स है और जियो का सेट ऑफ बॉक्स है, और मैंने अनबॉक्सिंग किया है हैथवे का, और हो सकता है डेन में भी ये सेट ऑफ बॉक्स आ गए होंगे। अगर आप डेन का सेट ऑफ बॉक्स यूज़ करते हैं या GTPL का सेट ऑफ बॉक्स करते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपको एज इट इज़ इसी तरीके से सेट ऑफ बॉक्स मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आपने अगर इस सेट ऑफ बॉक्स को परचेज़ किया तो किस तरीके से, यानी कितना आपने इसको पेड किया है। आगे हम यानी आने वाली वीडियोस में हम इस सेट ऑफ बॉक्स का फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर बताएंगे, इस सेट ऑफ बॉक्स के अंदर पिक्चर क्वालिटी कर दिखाकर बताएंगे आपको, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के साथ आपको बताएंगे कि इस सेट ऑफ बॉक्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, ये सब सारी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस सेट ऑफ बॉक्स को बाय किया है तो आपको इसका फीचर्स कैसा लग रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।